जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण और सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त गुरुवार से हो गया। इस कार्यक्रम के तहत 2 वर्ष से ऊपर के लोगों को फाइलेरिया से बचाव के लिए TEC एवं कृमि उन्मूलन के तहत एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई जाएगी। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण एवं सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत 10 अगस्त से 21 अगस्त तक यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत 2 वर्ष के ऊपर के सभी बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्गों को फाइलेरिया मुक्ति के तहत TEC दवा खिलाई जाएगी। इस दवा की खुराक हर उम्र के लिए अलग अलग तय की गई है। साथ ही कृमि उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एल्बेंडाजोल टैबलेट भी खिलाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद में भी कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसके तहत स्कूल के लगभग 280 छात्र छात्राओं को NM के द्वारा निश्चित दवाओं की निश्चित खुराक खिलाई गई। इस कार्यक्रम में शाला विकास समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यगण शामिल हुए। इस कार्यक्रम में वैशाली नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुपरवाइजर भी उपस्थित हुए और उन्होंने फाइलेरिया रोग की जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई और इस रोग को रोकने के लिए दी जा रही दवाई के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। विद्यालय की प्राचार्य सुश्री AV मिसर मैडम ने कार्यक्रम की जानकारी दी, तो वहीं वैशाली नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुपरवाइजर ने जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरे आम जनता, 2 करोड़ की जनता मान के चलिए, उसमें फाइलेरिया और NDD कृमि का NDD प्रोग्राम और फाइलेरिया का प्रोग्राम के दोनों की गोलियां का सेवन कराया जा रहा है, जो 10 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, इस बीच में आप कभी भी खा सकते, चलाया जा रहा अभियान। तो आप लोग सब जनता से निवेदन है कि वो अपना सेवन करें, जहाँ भी उनको दवाई मिलती है घर में, चाहे स्कूल में, चाहे स्वास्थ्य केंद्रों में, हमारे विभाग द्वारा वितरण सेवन कराया जा रहा है, आप लोग इसको खाइए। आज जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विद्यालयों में और सभी जगह फाइलेरिया और कृमि की दवाइयाँ दी जा रही हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को फाइलेरिया और कृमि की दवाई दी गई। लगभग 280 विद्यार्थी दवाई खा रहे हैं। फाइलेरिया की दवा 2 और 3 गोलियां हैं और कृमि की दवा को चबा के खाने के लिए इनको निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाना खाकर आए, ऐसा बच्चों को निर्देश दिया गया था और विद्यार्थियों को फाइलेरिया के बारे में जानकारी दी गई। फाइलेरिया रोग, जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है, या एक बार हो जाए तो फिर ठीक नहीं होता। इसी वजह से पूरे प्रदेश सहित देश में भी फाइलेरिया मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि भारतवासी इस हाथी पांव की बीमारी से सदैव बचे रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।